शादी के बाद मेरे पति को कैंसर हो गया। वो चलने फिरने में लाचार हो गया। उसका भाई सतीश यादव मेरे ऊपर डोरे डालने लगा। धीरे धीरे मुझे भी सतीश से प्यार हो गया। सतीश मुझे अक्सर घर से भगा शादी कर लेने की बातें करता था, पर मैं इनकार कर जाती थी। सतीश से बोला करती थी कि वो मेरे गार्जियन से बातें करे, घर वालों की मर्जी से ही वो शादी करेगी। सतीश मुझ पर फिदा था, हमेशा फ़ोन पर बातें होते रहती थी। बीते 13 सितंबर को दिन के 12 बजे सतीश का फ़ोन आया। उसने मुझे रनुआ चट्टी के पास बुलाया और बोला कि चलो भागकर हजारीबाग में कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैं उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर घर से भाग गई। इसके बाद जो कुछ हुआ, भगवान ना करे किसी और के साथ हो, या कहना है छलिया देवर से छली गई सीमा का। आगे जो कुछ उसने बताया, बकौल सीमा। घर से भागने के रोज 10,350 रुपए और एक सोने की चेन लेकर निकली। सतीश उसके इंतजार में रनुआ चट्टी में खड़ा था। वहां से उसे हजारीबाग के मटवारी गांव ले गया। वहां पहले से उसने भाड़े का एक मकान ले रखा था। तब मैं उससे पूछी कि तुम तो बोले थे कोर्ट ले जाएंगे, तो यहाँ क्यों ले आए? तो सतीश बोला कि वकील साहब से बात कर लिए हैं, बोले हैं कागज पत्तर तैयार करने में 3-4 दिन लग जाएंगे, इसलिए हम लोगों को 3-4 दिन यहीं रहना होगा। तुम घर से बाहर मत निकलना। मुझसे सारा पैसा और फोन ले लिया, सोने का चैन मेरे पास ही रहने दिया। रात 10 बजे के करीब घर से ये बोलकर निकला कि खाना लेकर आता हूँ। करीब 10-15 मिनट बाद हम घर से बाहर निकले। मकान मालकिन से फ़ोन लेकर अपनी फुआ को फ़ोन कर बताया कि हम ठीक हैं, सतीश से शादी कर हम मुंबई जा रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद सतीश खाना लेकर घर आया। वो नशे में टुन था। उसने मुझे खाना खाने को कहा। मैं बोली मुझे भूख नहीं है। इसके बाद मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ 3 बार जबरन शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसके भाई नीतीश और राजदेव एक गाड़ी लेकर आए और मुझे वहाँ से चौपारण ले गए। वहाँ चौपारण के एक होटल में राजदेव ने मुझसे कहा कि चलो थाना में कहना कि तुम अपनी मर्जी से भागी हो, इसमें सतीश का कोई कसूर नहीं है। अगर ऐसा पुलिस के सामने नहीं बोली तो तेरे बाप और घर वालों को जान से मार देंगे। हम पुलिस के स्टाफ है, हमारी पहुँच ऊपर तक है। इसके बाद उसे थाना ले जाया गया। रात भर उसे थाने में ही रखा गया। सीमा ने कहा कि वो SP से लेकर थानेदार तक इंसाफ की गुहार लगाई है। सुने क्या बोली पीड़िता और उसके पिता। मेरा हस्बैंड जी को ब्लड कैंसर हो गया साल भर से, तो बॉम्बे में थे एडमिट, तो सतीश से मतलब बातचीत होने लगा, प्यार मोहब्बत होने लगा। सतीश बोला कि चलो हम लोग शादी कर लेंगे कोर्ट में जाके। घर से चुपे सोना भी दिए, घर से चुपे पैसा भी दिए सतीश को। फिर कुछ दिनों के बाद फिर सतीश घर पे आए तो हम लोग दोनों आपस में बैठ के बात किए। सतीश बोला ठीक है आपको हम शादी कर लेंगे, चलो कोर्ट में शादी कर लेंगे। हम बोले घर से गर्जियन से चुपे नहीं जाएंगे, आपको घर में शादी करने के लिए नहीं देंगे। तब पर भी सतीश बोला कि नहीं से हम राजी है तो क्या, हम प्यार मोहब्बत कर रहे हैं तो हम शादी नहीं करेंगे, मेरा घर वाला थोड़ी ना। तो फिर सतीश था से जाके हजारीबाग में मटवारी गाँव में रूम वूम खरीदा, अपना सब चीज व्यवस्था किया हुआ। उनका सतीश यादव को भाई है नीतीश यादव, वहाँ से सब चीज व्यवस्था किया अपना भाई ठीक से। फिर मेरा पास फोन किया से तुम दनुआ आओ, तो दनुआ गिए मार्केट को बहाना बुलाया, वहाँ से जबरदस्ती सतीश लेके चला गया हजारीबाग मटवारी मतलब गांव है वहीं पे रूम में रखा था सतीश। तो हम सतीश को बोले कि आप तो बोले थे कि कोर्ट में शादी करने के लिए, तो आप रूम पे क्यों लाए? कि हम बात कर लिए वकील साहब से, कागज उगज बन रहा है, से 1-2 दिन टाइम लगेगा जब तक हम लोग यहीं रुक के रहेंगे। तो सतीश गया उधर खाने का सामान लाने के लिए मार्केट तरफ, उधर से पूरा नशा में आया मेरा साथ, गला सामान मन्नत मनाने लगा, हाथ उठ पकड़ने लगा मेरा साथ। सतीश 2 दिन रखा सतीश रूम पे। सतीश को जो भाई है रायदे यादव से अपना भाई को बुला लिया, रायदे यादव संतोष यादव अपना भाई को बुला लिया, थाना पर जाके आवेदन लिख लिया, रायदे यादव लिखवा दिया और लिख भी दिया कि मेरा भाई तो मेरा पास है से सतीश, लेकिन नहीं भागा है से दूसरा को साथ भागा होगी नहीं तो फिर भुला गई होगी। फिर रायदे यादव सतीश यादव नीतीश यादव और उसका एगो और भाई था, उन लोग ब्रिजा से गया रात रात हजारीबाग, मेरा फिर वहाँ से ले आया। लाने के बाद फिर अपना भाई को सतीश या मतलब रायदे यादव था से सतीश यादव को भगा दिया, ब्रिजा तीर के भगा दिया रायदे यादव। फिर सतीश यादव बोला कि जो बयान बोल रहे हैं वही थाना में बताना, तो हम बोले कि नहीं बताएंगे, जो मेरा साथ हुआ है वही हम बताएंगे। तो रायदे यादव को कहना है कि हम बदनाम नहीं होंगे, चारों घर से थाना उना से बच जाएंगे। तो रायदे यादव बोले यही बोलना सतीश नहीं ले भागा, हम अपने भागे हैं,
और हम अकेले गए थे, तो उतना ही मेरा आयदा ज्यादा मेरा मारपीट करने लगा और मेरा गला में चैन था वो छीन लिया और थाना में लान के अकेले बंद कर दिया। रायदा यादव बोलता है कि तू क्या कर लेगा, थाना तो मेरा हाथ में है, सतीश से हम शादी करें क्योंकि वो मेरा ले जाके इज्जत लिया है। हमारे बच्चे के साथ सर जब लेके भागे सतीश यादव मेरा बच्ची का, तो उस समय हम बीमार थे, चल भूल नहीं पा रहे थे। 4-5 महीना से एकदम दोनों पैर मेरा जो से सटा हुआ था, पैर से बिल्कुल चल भूल नहीं पा रहे थे। सतीश यादव राजदेव यादव को भाई सतीश यादव है, सांझिल बनीवाटाड़ का है। पता लगाते 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 फिर मालूम चला कि सतीश यादव को कॉल किसी हमारे घर में मोबाइल पर आया था, तो हम कहें कि भाई इस मोबाइल पर कितना बजे, तो बोला 10-11 बजे रात में मैंने कि कॉल आया था इस मोबाइल पर सतीश यादव को मोबाइल से। तो हम पूछे कि भाई बच्ची कहाँ है, तो पता चला कि नहीं से सतीश यादव लड़की को लेकर के कहें भागा है। थाना आवेदन दिए, वहाँ पूछा गया तो सतीश यादव के वहाँ पढ़ते बयान लिखाने लगे, तो रायदेव यादव वहाँ थाना के चौकीदार थे, वो बोला कि नहीं से हमारा भाई आपको बच्ची को लेकर क्यों भागेगा, से मेरा भाई देखिए हमारा थाना पर शामिल है, हमारा बच्ची को हजारीबाग मटवारी 3 नंबर गली में हमारा बच्ची को ताला बंद करके वो अपना सतीश जो है से ताला बंद करके वो थाना पर पहुंच गया था पहले दिन में जब हम आवेदन लिखाने गए उसके बाद। और जब पहुंच गया तो रायदेव यादव जो है से अपने से आवेदन थाना में लिख करके और अपने से जमा दिया। उसके बाद हमको बोलता है कि हमने आपको हमारा भाई आपको बच्ची को नहीं ले गया, इसे हम गुप्त सूचना में मेरा बच्ची के नाम से गुप्त सूचना में आवेदन लिखाओ। और रायदेव यादव जो है कल परसों हमको धमकी दिया फोन पर कि तुमको मार के गोड़ हाथ तोड़ देंगे। थाना में 24 घंटा रखा गया सर, रात पूरी रात रखा गया, फिर पूरा दिन रखा गया, बिना महिला के रखा गया थाना में। हम बच्ची से पूछे कि बेटा तुम्हारे पास में कोई महिला पुलिस था, तो बोला कोई नहीं था। कोहराम लाइव के लिए चौपारण से कृष्णा पासवान की रिपोर्ट।